एक तमिल में एक कहावत है, ईश्वर ने हर जानवर का पूंछ नाप के लगाया है, उतना ही पूंछ लगाया जितना वो उठा के हिला सके। मान लो एक हाथी का पूंछ भेड़ का लग जाए, वो उठ ही नहीं पाएगा। तो हाथी का पूंछ जहाँ हाथी आसानी से हिला सकते, वैसा पूंछ हाथी को देते। चूहे को हाथी का पूंछ हो जाए, क्या करेगा चूहा? तो इसलिए जो भी हमारे सामने समस्या आई है, वो वैसी वही समस्या हमारे सामने आएगी जिसको हम झेल पाएंगे, जिसका हम समाधान कर पाते। ऐसी समस्या हमारे सामने आए जो हम झेल नहीं पाएंगे, वैसी समस्या हमारे सामने मौजूद ही नहीं होगी। ईश्वर ने उससे पहले बल रख दिया हमारे भीतर, इसलिए हर समस्या को हम पूंछ ही मानते हैं। शरीर है समाधान, समस्या है सिर्फ पूंछ। तो हम ये नहीं समझे कि हम विपरीत दिशा में तैर रहे थे। अब समझदार हो गए, साधना के माध्यम पर, समझ के माध्यम पर, ज्ञान के माध्यम पर, युक्ति से आगे बढ़ने लगे हैं।